ऑलराइट ही गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। मेरा नाम है सारवेंद्र और आप यहाँ वॉच कर रहे हैं ये वाला ट्यूटोरियल, और जिसमें मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा ये वाली इमेज कैसे क्रिएट होगी। बैक एंड फोर्थ मैं बताऊंगा, इसमें पूरा करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जस्ट बहुत ही ईजी है और परफेक्ट ट्यूटोरियल है, आपको समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ ज़्यादा मिक्स एंड मैच है नहीं वैसे तो। यहाँ सबसे पहले ये बैकग्राउंड है जो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप स्टॉक डाउनलोड कर सकते हैं मीडियाफायर से या टेलीग्राम लिंक से, आपको दोनों प्रोवाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैंने अपने आप को कट करके यहाँ पे डाल रखा है, कट करके जैसे ही डाला है मैंने अपने आप को बहुत ही साफ से कट कर रखा है, और जहाँ जहाँ प्लेस करा है वहाँ पहले से एक पैर था तो उसकी मुझे शेडो मिल गई है, तो यहाँ मेरे लिए बहुत हेल्प हो गई है रियलिज्म अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने एक लेंस फ्लेयर यूज़ कर रखी है छोटी सी, जो मेरे यहाँ नेक के यहाँ से आ रही है। अगर आपको लेंस फ्लेयर नहीं क्रिएट करनी आ रही है तो मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं, या आपको लिए डाउनलोड में भी मैं ये छोड़ दूँगा, सो आप वहाँ डाउनलोड से निकाल सकते हैं ईजिली। और उसके बाद मैंने थोड़े से हेयर ऐड अप करे थे और जस्ट वो पेन टूल से ही बनाए थे मैंने। हेयर का ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे इसी चैनल को, सपोर्ट मिल जाएगा 25,000 तक का। और उसके बाद फिर मैंने ये ग्लोइंग पार्टिकल्स डाल रखे हैं। अब ये ग्लोइंग कैसे क्रिएट हुआ, जस्ट यहाँ से जब आप थ्रेशोल्ड पे आते हैं तो यहाँ आपको पता चलता है कि पीक क्या क्या कर रहा है, तो पीक करने के लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें हटानी है और वो चीज़ें पीक करनी है जो आपका यहाँ बिल्कुल वाइट है। और जैसे ही ये वाइट हो जाएगा तो आपको एक स्टैम्प लेयर बनानी है और स्टैम्प लेयर से आपको सेलेक्ट में जाना है और कलर रेंज आपने सेलेक्ट करनी है और कलर रेंज में आपको ये वाइट सेलेक्ट करना है। जैसे करेंगे ओके तो यहाँ ये सेलेक्ट कर लेगा सब कुछ। अब जैसे ही आप ये ओके कर देंगे तो ये वो पार्ट को सेलेक्ट कर चुका है जहाँ आपके चीज़ें हैं और परफेक्ट मतलब लाइक है कि यही है। फिर उसको कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करके ऊपर लेके आना है और फिर ये बाकी दो लेयर्स को डिलीट कर देना है। अब आप पे जो लेयर बची है वो है सिंपल, और जैसे ही आप इसमें फ़िल्टर गॉसियन ब्लर डालेंगे तो यहाँ ये आपको दिखेगा कि बिल्कुल ग्लो सी ब्लूमी लगने लगी है, तो जितना आपको ब्लूमी ग्लो चाहिए उतना कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन में आके उसे क्लिप कर देना और फिर कलराइज़ कर देना, और जितनी आपको सेचुरेशन और जिस टाइप का ग्लो आपको चाहिए होगा आप वैसा ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ब्लूम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब आप इसे कर लेंगे तो इसे कमांड ग्रुप कर देना, ग्रुप करने के बाद इसको ऊपर ला के क्लिप कर देना और फिर इस ग्रुप पे क्लिप करना और फिर कमांड जे प्रेस करना और फ़िल्टर में जाना, फ़िल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर करना, फिर इसे थोड़ा रेडियस बढ़ा देना है इस बार, तो इस बार आपका 100 या 50 के अराउंड पे रहेगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लूम आ गया है, लेकिन ये मैंने ग्रीन में दिखाया तो ग्रीन है। अब चाहे आप कोई भी कलर कर सकते हो यहाँ से जो भी आपको पसंद आता है, तो ठीक है। उसके बाद फिर आपको बस उसको स्क्रीन मोड में कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीन मोड में करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा स्क्रीन मोड में, ठीक है। तो यही है तरीका, आपको ये थ्रेशोल्ड यूज़ करके वो पिक करके निकालना। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ें हैं, जस्ट उतना ही पार्ट ग्लो हो रहा है जितना मैंने क्लिप करा था, और वो गॉसियन ब्लर पे आपका डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा गॉसियन ब्लर अप्लाई करा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रीन मोड में जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट सिंपल कुछ करना नहीं है इतना। उसके बाद जो मैंने ऐड अप कर रखे हैं वो है थोड़ा पेन के ऊपर रिम लाइट के, यार मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल डाल रखे हैं अपने चैनल पे, तो ज़रूर चेक करें। आपको रिम लाइट इतनी सी तो ड्रॉ करनी ही आ जाएगी, या माउस से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मेन, कि इसमें जो मैंने लट अप्लाई करा था, तो लट मैंने अप्लाई कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये वाला लट भी। और इसमें यूज़ कर रहा था मैंने डिस्पो 2 कर रखा था जो मेरे पे बहुत पहले से था, और इसमें स्प्लिट टोनिंग का मैंने यूज़ करा हुआ है। स्प्लिट टोनिंग मैंने कहाँ तक की करी है, मैंने येलो तक की करी है, और फिर ले गया हूँ मैं ब्लू की साइड पे, थोड़ा सा ये ब्लू और मैजेंटा के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से आपको पॉपी ग्लो मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने सेचुरेशन की तरफ दौड़ना है बिल्कुल भाग के, और फिर जैसे आप सेचुरेशन क्रैंकअप करेंगे आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएंगे जैसे मेरी फ़ोटो के अंदर है। और फिर जैसे ही आप यहाँ ब्लू और प्राइमरी स्लाइडर के साथ प्ले करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और यही है गाइस इसमें जो भी है, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा खास समझने के लिए। और जैसे ही ओके प्रेस करूँगा हो जाएगा, और सेव करके आप पोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है यहाँ पे, इसमें थोड़ा मैंने लाइक एक्सपोज़र वो कर रखा है कम, तो आप एक्सपोज़र यहाँ से भी कम कर सकते हैं, और जैसी आपका टेस्ट हो आप वैसा ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोज़र के लिए यहाँ मैं कुछ कहूँगा नहीं, और गामा करेक्शन भी आप देख सकते हैं थोड़ा कि आपको ब्लैक जितना चाहिए हो आप उतना कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यही था मेरा पूरा ट्यूटोरियल। और प्लीज़ लाइक करें चैनल, वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को। थैंक यू।